अमित अमित जी अमित जी ये डिवाइन गर्ल्स स्कूल मैम को भी मेडल पहनाया गया प्रतीक जी के द्वारा। हमारे सभी रनर्स का मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि गांव में हेल्थ बहुत अच्छी नहीं लोगों की चल रही है, शहर में कंपैरेटिवली लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ठीक है और जो हेल्थ और हाइजीन है वो भी ठीक है, और गांव में लोग अब आलस का शिकार हो रहे हैं, बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ ये सुरेश्वर सिंह जी हैं, माननीय विधायक जी डॉक्टर साहब हैं। हम सब लोगों ने काफ़ी अनुभव किया है कि यहाँ पर क्षेत्र में इधर देवीपाटन मंडल में स्वास्थ्य के लिए बहुत लोगों का भी हालत ख़राब है, डायबिटीज़ के मामले में, मेनिनजाइटिस के मामले में, हेल्थ शुगर है और सांस की बीमारियां हैं, ओबेसिटी है, ऐसा प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है कि जनरेशन टू जनरेशन और ख़राबी होती जा रही। कह सकें कि 90 के दशक में जो लड़के बच्चे पैदा हुए आज वो दुनिया के सबसे आलसी प्रजाति बनते जा रहे हैं, तो हम जो 90s के लोग हैं, अब जैसे मैं तो खुद 90s का लजिस्ट नेचर हूँ, जो 90s के बच्चे हैं जो आज 30 में पहुँच रहे हैं, 25 है, उन सबकी हेल्थ बहुत ही ख़राब है, कोई फिजिकली फिट नहीं है, लोग चैलेंज नहीं करते अपने आप को, तो ज़रूरी है। आज तो इतनी ख़राब प्रथा है कि अगर कोई अच्छा दौड़ रहा है, साइकिल चला रहा है, तो लोग उसको उस पर मजाक उड़ाते हैं, हाथ से करते हैं, और पहले जब गाड़ियां नहीं थी तो लोग 200 किलोमीटर अपना काम देखने के लिए एक हफ्ता चले जाते थे, 30 किलोमीटर दूर जाके अपना खेत देखते थे। आज लोगों के पास लॉजिस्टिक है तो आज कोई करना नहीं चाहता। तो हम लोगों ने, हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर और यहाँ के कुछ जागरूक स्कूल हैं उन्होंने मिलकर एक बार यहाँ सम्मानित परिवार के लोग हैं उन लोगों ने सब खिलाड़ियों को एक किया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, लोगों ने दौड़े, बहुत सारे लोगों ने मेडल भी जीते और लोग संकल्प ले रहे हैं कि हम फिजिकली फिट रहेंगे और अच्छा फिजिकल करने वालों को सपोर्ट करेंगे। तो एक ही बेकअप रन का शुरुआत अच्छा था और मैं धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और ये एक अच्छा कार्यक्रम है। हर दिया तो कब तक बहराइच की जनता को स्टेडियम में जाने का ट्रैक मिलेगा? गोंडा के सदर विधायक आदरणीय प्रतीक भूषण जी ने जो अपेक्षा की है कैनवस ट्रैक की, हम दोनों लोग मिल करके शासन में इसकी और सरकार में पैरवी करके जल्द से जल्द कराने का प्रयास करेंगे।